हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद्या की रेसिपी। गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आटे और बेसन के लड्डू की सिंपल रेसिपी। बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है, झटपट बन जाती है। अगर गाइस मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। 1 कप लिया है आटा, 1 कप घी, आधा कटोरी लिया है सूजी, 1 कटोरी बेसन, ये लिया है नारियल का बुरादा, और इधर ये काजू बादाम लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट, और ये थोड़ा दूध लिया है। आप चाहो तो कुछ और बादाम भी ले। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में कटोरी से आधा घी ले लेंगे, आधा घी ले लेंगे। अभी घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। घी अगर थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे। अभी घी गर्म हुआ नहीं है, अभी घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को हम थोड़ा मीडियम आंच पे पका लेंगे, धीमे धीमे आंच में पका लेंगे इसको। अभी पूरा नहीं पकाना है सूजी को, थोड़ा सा सूजी पक जाएगी उसके बाद। सूजी पक रही है हमारी इधर, थोड़ी सूजी पकने के बाद हम इसमें डालेंगे आटा। सूजी हमारी पक गई है, देखिए इधर सूजी थोड़ी थोड़ी पक गई है। अभी डाल देते हैं इसके अंदर आटा। आटे को पूरा डाल देते हैं। अभी हम इसको मीडियम आंच पे पका लेंगे। तेज आंच करने से ना आटा कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं, जल जाएगा। इसको मीडियम आंच पे पका लेंगे, धीमे आंच पे पका लेंगे इसको। चलिए हमारा आटा पक रहा है। अभी हम देखिए आटा हमारा ऑलमोस्ट पक गया है। इसमें थोड़ा घी डाला था मैंने ऊपर से। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं दूध। आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। दूध डाल के हम इसको पका लेंगे थोड़ी देर। आधा कप दूध लिया था, थोड़ा पहले डाल देते हैं, थोड़ा देर बाद में डालेंगे थोड़ा दूध। देखिए दूध डालने से ना सूजी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, आटे सूजी के दाने फूल जाते हैं, इससे लड्डू में अच्छा टेस्ट आता है। अभी दूध और डाल देते हैं बचा हुआ दूध। इस तरह से मैंने पूरा आधा कप दूध लिया था, पूरा डाल दिया है। अभी हमारा आटा देखो कितना अच्छे तरह से खिल के तैयार हो गया है। इसी तरह धीरे धीरे करते हैं, पूरा दूध डाल देंगे और धीमी आंच, अभी आंच को मीडियम कर लेंगे और पका लेंगे आराम से। एकदम अच्छा चूरमा की तरह हो गया है, खिल के सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी कढ़ाई में घी गरम करने के बाद हम थोड़ा काजू बादाम को फ्राई कर लेते हैं। काजू बादाम अच्छी तरह से भुन गए हैं, अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और थोड़े से इनका कलर अच्छा हो गया है, अभी इनको हम पूरा से बाहर निकाल लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में बचा हुआ घी डाल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे बेसन। अभी बेसन को बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे। घी गर्म हो गया, उसके बाद बेसन डाल के धीमी आंच में पका लेंगे इसको। अभी देखिए बेसन हमारा भूनने लगा है। बेसन भूनने के बाद हमें धीमे धीमे आंच में इसको भून लेंगे, सुनहरा गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। तेज आंच करेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा, कच्चा रह जाएगा, अंदर से इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह से हमारा बेसन भून रहा है, ये देखो घी छोड़ने लगा है बेसन। बेसन ऑलमोस्ट हमारा भून गया है, 10-15 मिनट लगे इसको। देखिए कितना अच्छा हो गया है,
एकदम से पूरा घी छोड़ के एकदम से अच्छा हुआ है। 10-15 मिनट लगे इसको धीरे धीमे धीमे आंच में पकाते हुए। अभी बेसन ने पूरा घी छोड़ दिया, देखिए कितने अच्छे तरीके से भून गया है। अभी हम इसमें इसको उतार के बाहर निकाल लेंगे। बेसन को निकाल कर उसी प्लेट में निकाल देंगे, साथ में सबको मिक्स करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो रहा तब तक कर लेते हैं बादाम काजू कट। अभी बेसन हो चुका ठंडा, इधर हमारे काजू बादाम भी कट गए हैं। अभी हम इनके अंदर मिक्स कर देते हैं काजू बादाम कटे हुए। अभी नारियल का बुरादा और बूरा डाल देंगे, बूरा अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने इधर 1 कप बूरा लिया है, अपने टेस्ट के अनुसार बूरा डाल देंगे। ये देखिए ऐसे बूरा डाल देंगे, जितना आपको मीठा पसंद है, कम मीठा ज़्यादा उसके अनुसार आप डाल सकते हो। अभी इनको मिक्स कर देंगे। अभी इसको सब चीज़ों को आराम से हाथ से एक साथ मिक्स कर लेंगे। ऐसे हाथ से सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये बाद है इसको इस तरह से लड्डू में बांध लेंगे। ये देखिए पूरा एकदम से अच्छे तरीके से दोनों हाथों से लड्डू बना लेंगे इसके। ये देखिए हमारे लड्डू बन गए हैं।